नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। प्रोग्राम को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर पर नेशनल ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया। विपुल गोयल हरियाणा वासियों से अपील की कि इस बार का दशहरा और दिवाली का त्यौहार पॉल्यूशन फ्री और ग्रीनरी के साथ मनाएं। जिस तेजी के साथ साइबर सिटी गुरुग्राम ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, उसी तेजी के साथ गुरुग्राम में पॉल्यूशन भी बढ़ा है। और अब ये पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के नक्शे पर पॉल्यूशन वाले शहरों में भी गुरुग्राम दिखने लगा है। गुरुग्राम से पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए और गुरुग्राम पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए आज हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने नेचर एंड ग्रीन प्लांट का हुडा सिटी सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही इस प्रोग्राम में भारी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ साथ एनजीओ के लोगों ने पौधारोपण के साथ सफाई अभियान भी चलाया। उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम को हमें साफ सुथरा और पॉल्यूशन रहित शहर बनाना है ताकि गुरुग्राम का विकास इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आपने देखा होगा, मैंने यही बातें कही हैं कि ये सिर्फ एक सांकेतिक अभियान नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 15 दिन का या 20 दिन का एक ड्राइव नहीं होनी चाहिए। ये ड्राइव मोदी जी या कोई सरकारें नहीं चलाएंगी, वो तो सिर्फ मोटिवेट करने का काम, आपको बताने का काम करेंगे। ये काम के लिए हम सब लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे देश का अन्य स्थान हो। सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी, कोई छोटी जिम्मेदारी कोई बड़ी जिम्मेदारी लेगा। सरकारें फैसिलिटेट करने का काम करेंगी, कोई इक्विपमेंट देने का काम करेंगी। और यहाँ पर डीएमआरसी की टीम भी है, अन्नू जी भी हैं। मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समाज के आखिरी छोर तक जाकर कुछ परमानेंट चीज़ें देकर कि स्वच्छता से उन लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें दें, उन स्वच्छता के अंदर वो इक्विपमेंट काम आ सके। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम समझेंगे इस ड्राइव को हम आगे तक ले जा पाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों से अपील करते हैं कि इस बार का दशहरा और दिवाली का त्यौहार पटाखे फ्री यानी पॉल्यूशन रहित मनाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि प्रदेश पॉल्यूशन फ्री बनाने के साथ साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले माने जाते हैं। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार लोगों से अपील करती है कि इस बार दशहरा और दिवाली का त्यौहार पॉल्यूशन फ्री बनाए। मैं सरकार देखिए, सरकार के कदम एक रिलीजियस मैटर है और दशहरा और दिवाली हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, तो इसलिए मैं लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम पटाखे चलाकर, कम से कम पोल्यूशन फैलाकर इस त्यौहार को मनाएं। त्यौहार मनाने के और भी बहुत हैं, खुशियां देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। उस तरीके से मनाएंगे तो आप समाज की अच्छी सेवा कर सकेंगे, समाज के साथ जुड़कर समाज को एक स्वस्थ समाज की ओर ले जा सकेंगे। और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री जो इस ड्राइव को चलाने की बात करें उसमें एक सहभागी बन सकेंगे इस दशहरा और दिवाली पर, कम पटाखे चलाकर कम पोल्यूशन चला। जिस तेजी से साइबर सिटी गुरुग्राम में पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम की मुश्किल और बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरत है गुरुग्राम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए ताकि गुरुग्राम के भविष्य को बचाया जा सके। नहीं नहीं क्या आप देखिए आप ग्लास को, आप मीडिया से हैं तो आप ग्लास खाली देखेंगे, लेकिन ग्लास को भरा हुआ भी देखिए कि जो पिछले 10 साल की जो सरकारें थी किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के अंदर छोड़कर गई। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ 10 साल हरियाणा को, सिवाय गुड़गांव स्पेशली गुड़गांव को, सिर्फ CLU देने का काम किया, डेवलपमेंट करने का काम नहीं किया, यहाँ से पैसे बटोरने का काम किया, भले कि यहाँ के लोगों ने जो डेवलपमेंट के नाम पर पैसे जमा किए उसको भी और जगह ट्रांसफर करने का काम किया। लेकिन जब से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे नेशनल हाईवे ले लीजिए, चाहे इंटरनल रोड्स ले लीजिए, चाहे पूरा डेवलपमेंट ले लीजिए, गुड़गांव की तस्वीर अलग है। गुड़गांव तेजी से प्रगति की ओर चल रहा है और अगले 2 साल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के बचे हुए हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गुड़गांव जिस तरीके से 250 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिसेज हैं उसी पैमाने पर गुड़गांव डेवलप होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है।